हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रैवलिंग इंजीनियर्स। इंडिया जो कंट्री है वो एक माइलेज ऑब्सेस्ड कंट्री है। यहाँ पे आप गाड़ी चाहे ऑल्टो लें या ऑडी, सवाल एक ही होता है, कितना देती है, माइलेज कितना है। तो जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, बहुत सारे लोग मुझसे भी ये सवाल पूछ चुके हैं कि क्रेटा माइलेज कितना दे रही है, क्रेटा का जो 2020 मॉडल है ये कितना माइलेज दे रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, मैं आपको बताऊँगा कि मेरे एक्सपीरियंस में क्रेटा कितना माइलेज देती है, और मैं आपको ये बताऊंगा कि सिटी में कितना माइलेज दे रही है और ये हाईवे पे कितना माइलेज दे रही है। और मेरी मेथडोलॉजी बहुत ही सिंपल है, मैं 1 लीटर का बॉटल भर के हाईवे पे, एम्प्टी हाईवे पे इसकी ड्रैग रेस करके आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो सिनेरियो आपको रियल लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। तो आप बहुत सारे वीडियो देखेंगे जिसमें कि एम्प्टी बॉटल टेस्ट या टैंक टू टैंक टेस्ट करके लोगों ने टेस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन वो सब सिमुलेटेड सिनेरियो है। मेरे हिसाब से आपको रियल लाइफ में वो सिनेरियो कभी मिलेंगे नहीं, तो वो सब किताबी बातें जैसी बात है कि ठीक है आपको कुछ भी माइलेज मिला 1 लीटर में एक खाली हाईवे पे जब आप कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हैं, लेकिन क्या आपको रियल लाइफ में कभी वैसा मिलेगा? मेरे ख्याल से नहीं। तो ये जो वीडियो है ये मेरे अभी तक के क्रेटा ड्राइव करने के एक्सपीरियंस पे है। इसमें करीब 3000 किलोमीटर मैं ड्राइव कर चुका हूँ ऑलरेडी। हाईवे ड्राइव करीब 1800 किलोमीटर की रही है उसमें से, और जो रिमेनिंग 1200 किलोमीटर्स हैं, 1200 किलोमीटर वो सिटी के अंदर की ड्राइव है। मल्टीपल शहर हैं, हैदराबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, तो एक्चुअल रियल लाइफ सिनेरियोज़ हैं यहाँ पे। मैं कहीं भी निकलता हूँ गाड़ी लेके तो वो सिनेरियोज़ हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से माइलेज का इससे अच्छा टेस्ट और कोई नहीं हो सकता, जब आप गाड़ी खुद चला रहे हैं और आप खुद रियल डे डेली लाइफ में जो आप करते हैं वो कर रहे हैं, तब के काम की ये माइलेज टेस्ट है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कितना माइलेज क्रेटा देती है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हाईवे पे जो मैंने ट्रिप्स किए हैं उन पे मुझे कैसा माइलेज मिल रहा है। तो जैसे आप देख रहे हैं करीब 16 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मुझे मिल रहा है। ये ट्रिप थी वाराणसी से लखनऊ की, करीब 300 किलोमीटर की ये ट्रिप थी, और स्पीड मोस्ट ऑफ़ द टाइम 80 to 130 के बीच में थी। सो 80 से 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी मोस्ट ऑफ़ द टाइम। यूजुअल टॉल्स पड़े बीच में, थोड़ा बहुत ट्रैफिक बीच में मिला इलाहाबाद में, बट ओवरऑल गुड माइलेज। और ये पूरी थ्रू आउट इको मोड में चली है, ये इंपॉर्टेंट बात है थोड़ा नोट करने के लिए। स्पोर्ट्स मोड में आई डोंट थिंक ये 16 का माइलेज दे पाएगी, लेकिन इको मोड में ये माइलेज मुझे मिला है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सिटी में क्या माइलेज मिल रहा है मुझे। तो सिटी की हर ट्रिप यूनिक होती है, ट्रैफिक कंडीशंस सब कुछ चेंज होता रहता है हर ट्रिप के साथ। तो मैं आपको ऐसे 3-4 एग्जाम्पल दूंगा। तो जैसे इस पर्टिकुलर ट्रिप की हम बात करें तो 36 किलोमीटर्स में मुझे ऑलमोस्ट 97 मिनट्स लगे हैं ट्रैवल करने में, स्टिल मुझे 13 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिला सिटी में। अगेन ये इको मोड में है, तो दिस कवर्स एवरीथिंग, ट्रैफिक के लिए रुकना, गाड़ी आइडल होना, सब कुछ। तो करीब 97 मिनट के ट्रिप में मेरे को जो माइलेज मिला है वो आपके सामने है। तो ऐसे ही अगर एक और ट्रिप की बात करें तो अगर इस ट्रिप में आप देखेंगे तो 18 किलोमीटर के डिस्टेंस में मुझे करीब 42 मिनट्स लगे हैं कवर करने में। इस केस में मुझे 12.1 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज दिया है गाड़ी ने। तो अगेन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन बहुत कम ट्रैफिक भी नहीं है। 18 किलोमीटर 42 मिनट्स में एवरेज सिटी कंडीशंस ही कही जाएगी, इसमें मेरे को 12 का माइलेज दिया है गाड़ी ने। अब इससे पहले कि मैं आपको फुल एनालिसिस दिखाऊं, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर ट्रिप में अगर आप देखेंगे तो मैंने 46 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है, और अगेन 1 घंटा 39 मिनट्स लगा है मुझे, मतलब ऑलमोस्ट 100 मिनट लगे हैं 46 मिनट ट्रैवल्स करने में। और इसमें भी लगभग लगभग 12 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज या माइलेज मुझे दिया है क्रेटा S6 ने। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ओवर द लाइफ ऑफ द व्हीकल कितना मेरे को माइलेज मिल रहा है। तो आप देखेंगे फर्स्ट 2600 किलोमीटर्स जो माइलेज है वो है 15.5। ये ओवर टाइम कम हुआ है, मैं इसका रीज़न आपको बताता हूँ अभी। ओवर टाइम अगर आप देखेंगे तो माइलेज एक्चुअली 15.5 से कम होकर 13.1 पे आ गया है। रीज़न ये है कि जो पहले 2500 किलोमीटर है उसमें 1700 किलोमीटर मेरी एक लॉन्ग ट्रिप थी फ्रॉम हैदराबाद टू लखनऊ, और बहुत ही लंबा ट्रिप था, वाराणसी इलाहाबाद सब जगह होते हुए मैं लखनऊ आया था, लेकिन पूरा हाईवे ट्रिप था। अब ये जो उसके बाद के 400 किलोमीटर है ये कम्प्लीटली सिटी का ट्रैफिक है, और बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस जैसे BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ट्रैफिक है ये, लखनऊ में आलमबाग मार्केट का ट्रैफिक है ये, इंदिरा नगर मार्केट का ट्रैफिक है ये। तो ये सारी चीज़ें होते होते मेरा माइलेज जो है वो नीचे आ गया है, अब जो है वो 13.1 का है ओवर द लाइफ ऑफ द व्हीकल। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी का डिक्लेयर्ड माइलेज है 16.9 किलोमीटर्स पर लीटर, तो उस हिसाब से काफ़ी डिसेंट माइलेज है, स्पेशली ऑन हाईवेज। सिटी का माइलेज विल ऑलवेज डिपेंड ऑन ट्रैफिक कंडीशंस, आपकी ड्राइविंग स्टाइल, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे वो डिपेंड करेगा।
तो ओवरऑल मेरे ख्याल से ये काफ़ी डिसेंट माइलेज है जो अभी तक दे रही है गाड़ी, और स्पेशली ये क्योंकि ऑटोमेटिक व्हीकल है। अगर आप मैनुअल गाड़ी की बात करेंगे तो शायद आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करेगा माइलेज, बट बिकॉज ये ऑटोमेटिक है आपके कंट्रोल में बहुत कुछ नहीं है अपार्ट फ्रॉम इको मोड या फिर स्पोर्ट्स मोड के चेंज करने जैसी चीज़ों को छोड़ के। तो ओवरऑल क्वाइट ओके, क्वाइट डिसेंट माइलेज। तो ये था मेरा माइलेज रिव्यू क्रेटा का 3000 किलोमीटर के यूसेज के बाद। ओवर टाइम जैसे जैसे मैं और ज़्यादा ड्राइव करूँगा आई विल अपडेट दिस वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।